सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंटीनेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपी अधिनियम के बारे में। यह जो वीडियो होगी सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपी के जो जवान हैं उनसे रिलेटिव है, दूसरे लोगों के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे वीडियो जो हमारे को ओपन सोर्स से हमारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल साइट से या कहीं से भी, उन संबंधी में कुछ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रिलेटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ अधिनियम 1949। तो सिर्फ हम इसके ज़्यादा विस्तार से न जाके इसकी धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम धारा नंबर एक पे। इसकी धारा नंबर एक में दिया है संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो क्या में दिया, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 है। अब इसके विस्तार की बात करते हैं, तो जो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 है, इसका विस्तार भारत और भारत के अलावा जहां पर भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य तैनात रहेंगे वहां पर ये लागू होगा। अब चलते हैं धारा नंबर टू। दोस्तों अधिनियम की धारा नंबर टू में जो है कुछ परिभाषाएँ दी है। इन परिभाषाओं का मैंने सिर्फ यहाँ पर नाम दिया है, ए बी सी डी में कौन कौन सी परिभाषाएँ हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से यूट्यूब पे बता भी नहीं सकते क्योंकि यह थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको, और इनसे कोई हमारा ऐसा नुकसान भी नहीं है वैसे, हमारे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का अधिनियम नियम के बारे में अगर कोई जानता भी है तो हमारे बल का जो है गौरव ही। और वैसे भी यह आप वेबसाइट पे जब जाओगे तो अधिनियम देखोगे तो आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो दूसरे लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो धारा टू में परिभाषाएँ हैं, ए में दिया है सक्रिय ड्यूटी। तो दोस्तों सक्रिय ड्यूटी से अभिप्राय ऐसी ड्यूटी से है जब किसी स्थान पर कोई उपद्रव हो जाता है या कोई बलवा हो जाता है या कोई भी ऐसा इंसर्जेंसी फैल जाती है, उस व्यवस्था को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए जो कार्य ड्यूटी की जाती है उसको सक्रिय ड्यूटी कहते हैं। बी में दिया है दोस्तों बंद गिरफ्तारी, क्लोज अरेस्ट। तो बंद गिरफ्तारी से अभिप्राय ऐसी कहने मतलब जगह से है जो बल का जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस का क्वार्टर गार्ड हो, कोई चौकी हो, कोई बिल्डिंग हो या तंबू में के अधीन रहने से है। तीसरे में दिया है दोस्तों बल यानी फोर्स, बल का मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से है। चार यानी कि डेल्टा टीम में दिया है बल के सदस्य, मेंबर ऑफ द फोर्स। तो दोस्तों बल के वे सभी सदस्य होंगे जो इस नियम के लागू होने से पहले या इस नियम के लागू होने के बाद जो भी किसी अथॉरिटी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए भर्ती किया वो बल के सदस्य माने जाएंगे। ई में दिया है खुली गिरफ्तारी, ओपन अरेस्ट। तो खुली गिरफ्तारी से अभिप्राय बैरक, पुलिस आवास, कैंप आदि जो उस समय बल के अधिकार में है उसकी सीमा के अंदर रहने को ही खुली गिरफ्तारी कहा जाता है। एफ में दिया विहित, प्रिस्क्राइब जिसको बोला जाता है। विहित का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा निर्धारण है। उसके बाद दिया है अधीनस्थ अधिकारी जिनको सबॉर्डिनेट ऑफिसर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ बल के ऐसे सदस्य जिनका पद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर सूबेदार मेजर तक वह सभी रैंक के व्यक्ति अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद दिया है एच में हमला। तो हमला क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति के लिए आपराधिक बल कपटपूर्वक विश्वास करने के कारण किसी को चोट पहुंचाना ही हमला है, तो इसको हमला बोला। अब चलते हैं दोस्तों धारा नंबर तीन, बल का गठन। तो बल के गठन में सबसे पहले एक सशस्त्र बल केंद्रीय सरकार द्वारा कायम रखा जाएगा जिसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस होगा। दूसरा इसमें दिया है बल ऐसी रीति से गठित होगा, कहना मतलब जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसका ऐसी रीति से गठन किया जाएगा जो बल का सदस्य जिसको जो होंगे उनको वेतन जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाएगा, पेंशन, उसके अलावा जो भी अन्य अलाउंसेस हैं निर्धारित हैं वो सब दिए जाएंगे। धारा नंबर
अब चलते हैं चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं शक्तियाँ। तो दोस्तों धारा चार में जो है जो सीनियर ऑफिसर है उनकी नियुक्ति और शक्ति दिया, केंद्र सरकार बल में कमांडेंट और अन्य व्यक्ति जो उचित समझती है, उप कमांडेंट हो गए जैसे द्वितीय कमांडेंट हो गए, सहायक कमांडेंट की नियुक्ति कर सकती है। और इसके अलावा कमांडेंट को इस प्रकार भी जो है अधिकार और शक्तियाँ दिए जाएंगे जो कि अधिनियम के अधीन उनको लागू करने के लिए शक्तियाँ चाहिए हैं, वो शक्ति भी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी। धारा नंबर 5, भर्ती करना। तो किसी व्यक्ति को बल में नियुक्त करने से पूर्व जो है अनुसूची में दी गई भर्ती तालिका है वो जो है उसको बताई जाएगी, उसके अनुसार उसको जो है बल में भर्ती किया जाएगा। और जब वह किसी भी पद पे कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो जो उसकी योग्यता है, योग्यता के अनुसार या जो योग्यता रिक्वायरमेंट है उसके साथ ही वह पूरी करता है तो उसको भर्ती किया जाएगा। धारा नंबर 6 में दिया है बल के बल से त्याग पत्र या अलग होना। तो दोस्तों बल से किसी सदस्य को स्वतंत्रता नहीं है वैसे, लेकिन इसमें कुछ दिया है जिसमें मान लिया कोई व्यक्ति है अपने वचनबद्ध समय के दौरान अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र की सिवाय अपनी सेवा से प्रथम 3 माह, अगर किसी व्यक्ति ने 3 माह या 3 माह का मतलब 90 दिन पूरे नहीं किए हैं तो वह अपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से त्यागपत्र दे सकता है, या फिर कमांडेंट महोदय के आज्ञा के अनुसार वह पूर्व में जो है लिखित आगे वो मांगता है, परमिशन मांगता है या अपने को अलग करना चाहता है तो उसके अनुसार भी अलग हो सकता है, या फिर उसको जो है अपनी पेंशन के अनुसार। धारा नंबर 7 में दिया बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य। तो दोस्तों प्रत्येक सदस्य के कुछ ना कुछ कर्तव्य दिए हैं और उन कर्तव्य को जो है जैसे मान लिया कोई भी अधिकारी है उसको जो है जितने भी आदेश मिलते हैं उनके अनुपालना करना, जितने भी वारंट्स हैं उनका तामील करना, अपराधियों का जो है पता करना, व्यक्तियों को निलाय दिलाना और उनको जो गैर अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं उनको पकड़ना, और पकड़े हुए व्यक्तियों को जो है पुलिस को सुपुर्द करना, और प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक सदस्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भारत के जिस क्षेत्र में भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी वह उसमें सेवा करेगा, यानी कि ड्यूटी करने के लिए तैयार रहेगा और अगर जरूरत पड़े तो बाहर विदेश भी जाने के लिए तैयार होगा। अब धारा नंबर 8 पे चलते हैं बल का परिचालन नियंत्रण और प्रशासन। तो दोस्तों बल का जो परिचालन नियंत्रण और प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत रहेगा, और कुछ ऐसे जो इस अधिनियम में बनाए गए हैं, अधिनियम के बाद जो है एक नियम भी बनाया गया है, जो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी वो बल के उच्च अधिकारी द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा। बल का जो है जो महानिदेशालय है वो दिल्ली में होगा और वहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है निर्धारित उससे बल के महानिदेशक महोदय को नियुक्त किया जाएगा, और हर व्यक्ति जो है अपना जो भी सदस्य होगा उसको जो है किसी न किसी अधिकारी के अधीन रहना होगा और नियम के अनुसार और काम करना होगा, इस तरह बल का परिचालन होगा जो भी आदेश होंगे। धारा नंबर 9 में दिया अधिक जघन्य अपराध। दोस्तों इसमें वह अपराध हैं जो बहुत अधिक जघन्य हैं, मान लिया बल के अंदर कोई विद्रोह करता है, किसी को उकसाता है, या कोई षड्यंत्र करता है, या कोई विद्रोह हो रहा है उसके दबाने की चेष्टा नहीं करता है, या उच्च अधिकारी पर हमला करता है, या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या किसी अपना ड्यूटी है उसको जो छोड़ देता है, या फिर किसी भी तरह देश के जो है उसके प्रति जो है किसी दुश्मन से पत्र व्यवहार करता है, ये सब जो है अधिक जघन्य अपराध में आता है। और मान लिया सक्रिय ड्यूटी में है तो मान लिया अपने अधिकारी की आदेश के हवाला करना, भगोड़ा हो जाना, संत के ना मतलब अपनी ड्यूटी में सो जाना, और अपनी ड्यूटी को अपनी पार्टी को कहीं छोड़ देना, बाहर गई हुई है तो उस समय
और गलत अफवाह फैलाना, तो ये सब जो है, वैसे इसका जो दंड जो है 14 वर्ष कारावास या 3 माह के वेतन तक हो सकता है। इसके बाद आते हैं जघन्य अपराध, कम जघन्य अपराध। तो बल के प्रत्येक सदस्य जो किसी ड्यूटी परेड मार्च करते हुए नशे की हालत में रहता है, संतरी पे कहने मतलब बल का प्रयोग करता है, कि अपने जो है कमांडर की बात नहीं मानता, हिरासत लिया हुआ व्यक्ति को जो है अपनी मर्जी से छोड़ देता है, आदेशों की हवेला करता है, अपने से बड़े रैंक या छोटे रैंक पर दुर्व्यवहार करता है, और जो उसके हथियार हैं, वस्तु हैं, कुछ जो भी है उन पे जो है क्षति पहुँचाता है, ये सब आप इसको ज़्यादा पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कम जघन्य जो छोटे दंड है, छोटे दंड आपको पता होगा, जैसे रैंक से अवनति, जुर्माने कोई राशि जो 1 माह के भक्त होगी, 28 दिन हो लाइन, 28 दिन की लाइन कैद हो, ये सब जो है इसमें आता है। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इनमें सब समझते हैं, लेकिन आपको धारा का पता होना चाहिए कौन सी धारा में क्या आता है। धारा नंबर 14 है सामूहिक जुर्माना। तो धारा नंबर 12 छोटे दंड हो गया, कारावास स्थान है, कारावास के आधार प्रत्युति का दायित्व। तो इसमें अभी धारा नंबर 12 पे चलते हैं। तो इस अधिनियम का दिन जो है कारावास से दंड या किसी व्यक्ति को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, उसके वेतन और भत्तों में जो है और जो भी इस पर दिए हैं मेडल वह उनको जो छोड़ने के लिए उत्तरदायित्व होगा। और अभी ऐसे व्यक्ति को जो है पदच्युत कर दिया जाता है तो कारागार में रखा जाएगा और उसकी जो है स्थान जो भी सीनियर ऑफिसर अच्छा समझे वो होगा। धारा नंबर 13 में वेतन और भत्तों की कटौती, इसमें आपको पता है वेतन भत्तों की कटौती किस किस आधार पर की जा सकती है। जब मान लिया भगोड़ा हो गया, कोई छुट्टी के बिना जो है अपने प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा लेट चल रहा है, या कोई अपराध कर दिया है, बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी का कारण बनाने के लिए करता है, ये सब जो है इसमें वेतन भत्ता। फिर उस आता है 14 नंबर में सामूहिक जुर्माना। तो जब कम कोई भी आपने जो केंद्र रिजर्व पुलिस बल से संबंधी अस्त्र है, उपकरण है, उनको जो है आप कहीं टोली में या पार्टी में ले जा रहे हैं और वो टूट जाता है या आपकी लापरवाही से, तो उसमें सामूहिक जुर्माना किया जाता है। धारा नंबर 16 में बल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली शक्तियाँ ड्यूटी। तो इसमें जो है बल के सदस्यों की जो है कुछ प्रदान की जाने वाली शक्तियों के बारे में बताया गया, जो जैसे मान लिया जो कानून द्वारा उनको शक्तियाँ प्रदान की हैं, किसी स्थान की मान लिया घेराबंदी करनी है तो उनको शक्ति और घेराबंदी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे कमांडेंट महोदय को जो है कोई अपराध करता था तो उसको उनको जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान है। और इसके अलावा कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई करता तो वो और भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो बहुत सारी हैं जो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं बल के सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए संरक्षण। इसमें बताया गया अगर बल का सदस्य कहीं किसी सेक्टर ड्यूटी में तैनात होता है और वहाँ पर कोई ऐसा एक्शन हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी कोई नुकसान हो जाता, तो उसके लिए उसको जो है संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको उसके दोषी ठहराया। नियम बनाने की शक्ति, तो नियम नंबर 18 में नियम बनाने की शक्ति जो हमारे 18 की धारा के अनुसार ही जो 1955 में नियम बने हैं वह जो है इसी के आधार पर बने हैं। और समय समय पर भारत सरकार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो अपने बल के लिए अच्छा समझे वो नियम बना सकते हैं। धारा नंबर 19 अधिनियम से पूर्व किए गए कार्यों की वैधता, इसमें बताया गया अगर कोई ऐसे कार्य किए गए हैं जो इससे पहले भी हैं उनको भी जो है वैधता प्राप्त की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अभी तक अगर आपने जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें और सभी लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग एक बार इसको आज की, क्योंकि पढ़ाई का जो सिस्टम बन चुका है, किताबें कोई नहीं खोल रहा, यूट्यूब से ही। और यूट्यूब में मैं भी हालांकि प्राधिकृत नहीं है, हो सकते इतने, लेकिन जो यूट्यूब पे या हम वेबसाइट पे जो उपलब्ध डाटा है उसको हम वीडियो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप इसमें जो है सभी लोगों को इसका शेयर करें और फ़ायदा उठाएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।